नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली गुरु यूट्यूब चैनल और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो MDM का डेटा है, जो बच्चों का खाद्यान्न वितरण और उनके जो कन्वर्जन कॉस्ट अभिभावकों के खातों में भेजा गया है विद्यालय के माध्यम से, उसको प्रेरणा पोर्टल पर किस प्रकार से अपलोड करना है, वो पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं और उससे पहले बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक वेबसाइट पर जाना होगा, जो वेबसाइट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, www.prerna.up.in। इस पर ये लिख करके जैसे ही आप किसी गूगल क्रोम में चले जाइएगा, वहाँ पर लिख करके आप इसे ओपन करिएगा, क्लिक करिएगा, सर्च करिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस पेज में आपको क्या करना होगा, 3-4-5 पॉइंट, कई एक पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि होम मिलेगा, अबाउट अस गैलरी, नोटिस बोर्ड, स्टूडेंट्स कॉर्नर, टीचर्स कॉर्नर, डैशबोर्ड, टैलेंट हंट, उसके बाद है बैंक डेटा अपलोड, ऑनलाइन स्कूल रिकॉग्नाइशन, उसके बाद में अदर्स। तो इतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आप सीधे जाएंगे बैंक डेटा अपलोड, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आपके 3-4 ऑप्शन फिर से खोलेंगे, टीचर्स लॉगिन, यूजर मैनुअल और यूजर मैनुअल फॉर, इसके बाद में वेरिफिकेशन। तो इसमें आपको टीचर लॉगिन यानी कि ऊपर वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टीचर लॉगिन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा इस प्रकार का, और ये जैसे ही ओपन होकर के आएगा यहाँ पर आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जो यानी कि हर विद्यालय से जो हेड टीचर हैं या और अन्य टीचर हैं जो भी भरना चाहते हैं, यहाँ से मुख्य रूप से हेडमास्टर या इंचार्ज हेडमास्टर जिन विद्यालयों में, उन्हीं के लिए है, उन्हीं को ये डेटा अपलोड करना है। तो यहाँ पर टीचर्स साइनअप यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। तो इसमें जैसे ही आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे उसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक फिर से नया पेज खुलेगा और इस नए पेज में आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो लिख करके आ जाएगा, जो भी आपने टाइप किया। इसके बाद में यहाँ पर आएगा सेंड OTP, जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा, SMS आ जाएगा, और उस SMS OTP को अब यहाँ पर एक नया पेज जो ओपन होगा उसमें आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर जो आप देख पा रहे लॉगिन बटन, इस लॉगिन बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा इस प्रकार का, और इसमें कई एक चीज़ें लिखी हुई होंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड में ऊपर डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के नीचे आपका लिखा होगा विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, और इसके सामने स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म, ये सब लिखा होगा। इसमें कई एक पॉइंट होंगे, जैसे कि अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, इसके बाद में जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, इसके बाद में इसके नीचे लिखा हुआ स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स, इसके बाद यहाँ पर अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें, इसके बाद में जुलाई से अगस्त और धनराशि की रिपोर्ट देखें। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर होगा बैंक फॉर्मेट फॉर फंड ट्रांसफ़र टू स्कूल, इसके बाद में यहाँ पर ग्रीन में लिखा हुआ होगा अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि को बैंक में भेजने का फॉर्मेट, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि को बैंक में भेजने का फॉर्मेट, ये आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो ऊपर दिए गए लिंक यानी कि विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, जो कि लेफ्ट साइड में एरो के माध्यम से ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको विद्यालय स्तरीय डिटेल पूरा भरना होगा। यहाँ पर लिखा भी है इस विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, तो ये प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन जनरेट करना होगा, यानी कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र आपको भरना होगा प्रेरणा पोर्टल पर जाकर के, वेबसाइट पर जाकर के, जैसे कि हम शुरू में ही आपको ये वेबसाइट बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें भरनी होंगी अब उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हम जूम करके इसको देखते हैं, ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है जो वो डिटेल देखेंगे, तो ऊपर डिटेल में वित्तीय वर्ष 2020-21
विद्यालय का नाम यहाँ पर, उसके बाद में जैसे ये ऑटोमेटिकली लिख करके आएगा, स्कूल की श्रेणी लिख करके आएगा, कंपोजिट है तो कंपोजिट, प्राथमिक है तो प्राथमिक, उसके बाद में उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक, वो डिटेल पूरा आ जाएगा। क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर वहाँ पर एंट्री करेंगे तो उस मोबाइल नंबर से ही ये सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें एक नंबर पॉइंट में 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत, जो टोटल 24 मार्च 2020 को यानी कि पिछले साल को जो परिवर्तन लागत आपको उपलब्ध कराई गई है उसकी एंट्री करना है। और पीछे इसमें लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है कि विद्यालय पर उपलब्ध परिवर्तन लागत तथा खाद्यान्न की मात्रा, तो विद्यालय स्तर पर जो आपको प्राप्त हुआ है उसको, उसका डिटेल आपको यहाँ पर परिवर्तन लागत यानी कि रुपए भरने हैं। उसके बाद में 24 मार्च तक ही या 24 मार्च को ही 2020 को उपलब्ध खाद्यान्न जो प्राप्त हुआ है उसको आपको यहाँ पर एंट्री करना होगा। ये दो पॉइंट हैं आपके पिछले साल वाले। फिर से याद रखें 24 मार्च, तीसरा महीना है जनवरी फरवरी मार्च, 24 मार्च 2020 के में उपलब्ध धनराशि और खाद्यान्न। इसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, 2020-21 में परिवर्तन लागत, 2020-21 जो सत्र है उसमें कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है वो लिखना है। और यहाँ पीछे लिखा भी है वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त परिवर्तन लागत तथा खाद्यान्न की मात्रा, और जो खाद्यान्न की मात्रा है वो आपको यहाँ इस प्रकार से एंट्री करना है। सबसे पहले 76 दिन योगी अप्रैल से जून तक के लिए है। इसमें बच्चों की संख्या जिन्हें खाते में FSA का विवरण किया गया है उनका डिटेल। इसके बाद में विवरण की गई धनराशि, जो भी धनराशि वितरण की गई है वो धनराशि यहाँ पर लिखी जाएगी। वितरण किया गया खाद्यान्न गेहूँ और चावल कितना वितरण किया गया वो लिखा जाएगा। उसके बाद 49 दिन का जुलाई से अगस्त तक का डिटेल में यहाँ पर कितना रुपया यानी कि बच्चों की संख्या जिन्हें खाते में पैसा दिया गया, उसके बाद में रुपया कितना दिया गया, उसके बाद में गेहूं और चावल कितना दिया गया। इसी के साथ साथ 138 दिवस सितंबर से 28 फरवरी तक यानी कि प्राथमिक विद्यालय स्तर में स्तर के लिए है ये, उसमें आपको बच्चों की संख्या लिखनी है, इसके बाद में वितरण की गई धनराशि लिखनी है, इसके बाद में वितरित किया गया खाद्यान्न लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 124 दिवस के लिए जो सितंबर से 28 फरवरी तक के लिए, उसमें बच्चों की संख्या लिखनी है, राशि लिखनी है और इसके बाद में खाद्यान्न को लिखना है। पीछे इसमें जो लिखा हुआ है वो साफ लिखा है लाभान्वित बच्चों की संख्या तथा उपभोग, और यही डिटेल आपको नीचे यहाँ पर मिलेगा। उससे पहले FSA जो है, FSA क्या है, फूड सिक्योरिटी अलाउंस, तो ये 5 नंबर पॉइंट है। दिनांक 31 मार्च 2021 को अवशेष परिवर्तन लागत, यदि कोई अवशेष परिवर्तन लागत आपके बची हुई है तो वो आपको लिखना हुआ होगा। अंतिम अवशेष स्वतः आगणित होगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ऊपर के हिसाब से। नेक्स्ट है दिनांक 31 मार्च 2021 को अवशेष खाद्यान्न, खाद्यान्न जो भी आपका बचा होगा वो भी यहाँ पर आगणित हो जाएगा और यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, शो हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कार्य दिवस 24 और 38 लिखा हुआ है। 24 कार्य दिवस प्राथमिक विद्यालय के लिए और 38 कार्य दिवस उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो ये कब के लिए, बच्चों को संख्या जिन्हें MDM वितरण किया गया, तो ये तब का है जब अभी विद्यालय पुनः जब खोले गए थे यानी कि 10 फरवरी से उच्च प्राथमिक विद्यालय और 1 मार्च से प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे। मतलब जो भी फरवरी और मार्च में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक खेले गए उनका डिटेल इसमें देना है। इसके बाद में यहाँ पर है विवरण की गई वितरण की गई धनराशि कितने रुपए आवंटित किए गए, वितरण किया गया खाद्यान्न गेहूँ चावल कितना वितरित किया गया। इतना काम करने के बाद में नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेव बटन है, यहाँ पर क्लिक करके ये डेटा आप सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है जिसके उपरांत यह फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में वांछित सूचना भरकर सेव बटन पर क्लिक करें, तो ये सब डिटेल जब आप भर देंगे उसके बाद में इसे आप सेव कर दीजिएगा और इस प्रकार से आप एट लास्ट इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा ये भरे हुए फॉर्म का, और ये अपने पास भी सुरक्षित इसको ज़रूर रख लें। तो इस प्रकार से आप प्रेरणा पोर्टल पर अपने विद्यालय का खाद्यान्न और जो कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि रुपए है उसकी एंट्री करके अपने पास उपभोग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि जानकारी उपयोगी लगी है तो आप ये अपने शिक्षक साथियों में शेयर जरूर करें।